कानपुर देहात के शिवली में मेडिकल स्टोर पर दवा खरीद रहे युवक की मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखे 70,000 रुपए चोरों ने उड़ा दिए। पीड़ित युवक को इसकी जानकारी तो उसने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। शिवली कस्बे के साकेत नगर मोहल्ला निवासी कुलदीप दीक्षित शुक्रवार को इंडियन बैंक से 70,000 रुपए निकाले थे। वह रुपए को मोटरसाइकिल डिग्गी में रख कर दवा खरीद रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए चोरों ने मोटरसाइकिल की डिग्गी से नकदी और जरूरी कागज उड़ा दिए। दवा लेकर जब कुलदीप वापस आए तो उन्होंने डिग्गी में बैग गायब देखा तो पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जल्दी घटना का खुलासा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।